यूपी में मेहनत की, जमीन बेची, लेकिन पत्नी को पढ़ाया। सिपाही बनते ही पत्नी ने बदल दी राह, अब दर दर भटक रहा है पति। एसडीएम ज्योति मौर्या का मामला अभी भी सुर्खियों में। इसी बीच प्रयागराज जनपद में से ज्योति मौर्या जैसा दूसरा मामला भी सामने आ गया। प्रयागराज में एक पति मेहनत मजदूरी करने के अलावा अपनी जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। सिपाही बनने के बाद पत्नी ने पति का साथ छोड़ा, अब अपनी पत्नी को पाने के लिए पति दर दर भटक रहा है। पति का कहना है कि सिपाही बनने के बाद उसकी पत्नी उसे धुतकार कर भगा दे रही है। मामले को लेकर बिरादरी के कई बार पंचायत भी कराई, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। अब ये मामला भी जोर पकड़ने लगा है। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज जनपद की मेजा तहसील अंतर्गत जरार गांव का है। गांव में रविंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति रहता है। रविंद्र की शादी 2016 में मांडा के गांव में सुषमा नामक युवती से की गई। बताया जा रहा है कि शादी के समय सुषमा ने 11वीं की परीक्षा पास की थी। शादी के बाद सुषमा विदा होकर ससुराल आए। रविंद्र का कहना था कि ससुराल आने के बाद सुषमा ने पढ़ाई की इच्छा जताई। ऐसे में मेहनत मजदूरी करके रविंद्र अपनी पत्नी को पढ़ाने लगा। पत्नी सुषमा पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। ऐसे में रविंद्र अपनी मेहनत की कमाई उसकी पढ़ाई में खर्च करता गया। रविंद्र ने बताया कि एक दौर ऐसा भी है जब उसे लगा कि उसकी पत्नी की पढ़ाई छूट जाएगी, तो उसने अपनी प्रत्येक जमीन बेच दी, अपने माँ बाप की जमीन बेची। जमीन बेचने के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था। रविंद्र को पूरा विश्वास था कि उसकी पत्नी पढ़ लिखकर एक दिन अधिकारी बनेगी। इसी बीच सुषमा ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा और परीक्षा पास करने के बाद यूपी पुलिस में उसे सिपाही की नौकरी मिल गई। रविंद्र की माँ का कहना है कि बहू के सिपाही बन जाने के बाद बस्ती और परिवार में खुशी का माहौल था। बस्ती में आने वाले लोग घर लेकर मिठाई भी खिला रहे थे, लेकिन इसी बीच सिपाही बनने के बाद सुषमा के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। यूपी पुलिस में नौकरी करने के बाद सुषमा अपने पति से दूरी बनाने लगी। सास भी फ़ोन करती तो सास भी फ़ोन पर बात नहीं करती थी। नौकरी लगने के बाद वो मायके के लोगों से मतलब रखने लगी। इस मामले को लेकर बिरादरी के लोगों की एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत के बाद भी दोनों पक्षों में कोई हल नहीं निकल सका। पति रविंद्र का कहना है कि जब उसकी पत्नी सिपाही बनी तो उसी के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। रविंद्र ने मीडिया को बताया कि 11वीं की पास करने के बाद जब उसकी पत्नी ससुराल आई तो उसने 12वीं की परीक्षा दिलवाई। परीक्षा पास करने के बाद उसका ग्रेजुएशन में दाखिला करा गया और मेहनत मजदूरी कर समय समय पर कॉलेज की फीस भी जमा करता रहा। इतना ही नहीं, रविंद्र ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। अब जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाता तो पत्नी उसे डांट कर भगा देती, अपने पास नहीं आने देती। आपको क्या लगता है कि पति अगर पत्नी को पढ़ाता है तो सबसे बड़ी गलती करता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।